लास्ट स्लाइड के मैथमेटिक्स में जंगल चैप्टर में कुछ क्वेश्चंस काफी टेक्निकल हैं, उनको सॉल्व करने के लिए आपको काफी अपने ब्रेन का इस्तेमाल करना होगा। अब जैसे इस क्वेश्चन को लेते हैं, इफ द बाइसेक्टर ऑफ द वर्टिकल एंगल, हम कोई एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ये एक ट्रायंगल है, ए बी सी एक ट्रायंगल है, ए बी और सी। इस ट्रायंगल में जो इसका वर्टिकल एंगल है यानी एंगल ई, तो इसका बाइसेक्टर ये है। मान लेते हैं ये इस एंगल को, दोनों एंगल इक्वल है, ए डी ये एंगुलर बाइसेक्टर है, तो ये एंगल बी ए डी और एंगल सी ए डी इक्वल हो गया। अब यहां पर बाइसेक्ट द बेस, ये बेस को भी बाइसेक्ट करता है, इसका मतलब ये बी डी इज इक्वल टू डी सी हो जाएगा। ये क्वेश्चन में गिवन है, अब प्रूव करना है कि ये जो ट्रायंगल ए बी सी है ये आइसोसेलस ट्रायंगल है। स्टूडेंट्स इसमें इस दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने का भरपूर प्रयास करते हैं। इस दोनों ट्रायंगल्स को अगर आप कॉन्ग्रुएंट कर लेते हैं तो AB इक्वल टू AC CB CT से आप आसानी से कर लेंगे, लेकिन ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं कर पाओगे, होगा ही नहीं। SSS, SAS, ASA और RHS कोई भी क्राइटेरिया इसमें लागू नहीं हो। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, और वो कंस्ट्रक्शन जनरली हम लोग ट्रायंगल के अंदर ही कंस्ट्रक्शन करते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में ट्रायंगल के बाहर कंस्ट्रक्शन करेंगे, इसलिए ये क्वेश्चन ज्यादा टेढ़ा है। इसमें जो कंस्ट्रक्शन हम करेंगे, वो कंस्ट्रक्शन करने के पहले इस डी को मिटाकर इसको थोड़ा हटा देते हैं, आसानी से कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। डी को मिटा दिया गया, डी को ऐसे पोजीशन पर रखेंगे जहां पर कंस्ट्रक्शन करने में कोई रुकावट नहीं आएगा, तो थोड़ा सा हटाकर डी लिख देते हैं, क्योंकि जहां पर डी था वहां रख के कंस्ट्रक्शन करने में परेशानी होती। आप सोचोगे कि ऐसा कौन सा कंस्ट्रक्शन करेंगे, तो करेंगे भैया ऐसा कंस्ट्रक्शन करेंगे कि दिमाग हिल जाएगा। एडी को प्रोड्यूस कर दो, मैंने पहले ही कहा था कि जंगल के बाहर कंस्ट्रक्शन करेंगे, एडी को प्रोड्यूस कर देते हैं इस प्रकार से, यहां तक कर दिया प्रोड्यूस, और इस प्रकार से कर दिया कि इसका जो एंड पॉइंट है उसका नाम ई रखा। लेकिन AD और ये DE दोनों बराबर होना चाहिए, यानी कि AD को जो प्रोड्यूस करेंगे E पॉइंट तक, तो AD और DE इक्वल हो, यानी कि AE का मिड पॉइंट D हो जाए। अब इसको C से ज्वाइन कर देते हैं, इस प्रकार से इसका कुछ डायग्राम बनता है। अब हम लोग ये ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ईडीसी और ट्रायंगल एडीबी, इस दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। इस दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करके क्या मिलेगा ये तो बाद में देखेंगे, पहले कॉन्ग्रुएंट करो। इस दोनों ट्रायंगल में इन ट्रायंगल एडी और बी, एडीबी एंड दूसरा ट्रायंगल हम लोग ले लेंगे ई डी और सी, ट्रायंगल ई डी और सी, इस दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करते हैं, तो देखते हैं इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में बी डी इक्वल टू डी सी, इसका बी डी और इसका डी सी इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा? क्योंकि ए डी मीडियम है, ए डी इज मीडियम, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है।
इसलिए हम यूज कर सकते हैं। एडी इज इक्वल टू डीई, एडी इज इक्वल टू डीई, ये क्यों? इसका रीजन होगा, ये कंस्ट्रक्शन किए थे बाय कंस्ट्रक्शन, इसका रीजन लिखेंगे बाय कंस्ट्रक्शन, ये कंस्ट्रक्शन किया था। और एक एंगल ही, एंगल एडीबी, एंगल एडीबी इज इक्वल टू एंगल सीडीई, एंगल सीडीई, ऐसा क्यों होगा? तो इसका रीजन लिखेंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं साइड एंगल, साइड साइड एंगल, साइड ये एंगल, ऐसे ऐसे दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। देयरफॉर बाय एसएएस, एसएएस क्राइटेरिया से ट्रायंगल एडीबी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ईडीसी। और जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हम कह सकते हैं ईसी इज इक्वल टू एबी सीपीसीटी से, यानी कि ईसी, देयरफॉर ईसी इज इक्वल टू एबी या बीए, कुछ भी लिखो सीपीसीटी। अब एबी इक्वल टू ईसी और उसके बाद एंगल बीएडी, एंगल बीएडी इज इक्वल टू ये वाला एंगल इस साइड के सामने का ये एंगल और ये साइड इसके बराबर है इसके सामने का ये एंगल, यानी एंगल डीईसी, एंगल डीईसी ये भी हो जाएगा इक्वल सीपी सीटी से। अब जब ये हम प्राप्त कर लिए ये एंगल और ये एंगल इक्वल, इसको एक्स मानते हैं तो ये भी एक्स हो जाएगा और ये इसका बाइसेक्टर है तो इसका मतलब ये दोनों एंगल भी बराबर है, ये एक्स है तो ये भी एक्स हो गया। ठीक, तो ये एक्स और ये एक्स इन ट्रायंगल ए सी ई में ये दोनों एंगल इक्वल है तो हम कर सकते हैं ए सी इक्वल टू सी ई। अब हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल ए सी ई, ए सी ई ट्रायंगल में, ए सी ई ट्रायंगल में एंगल सी ए ई, एंगल सी ए ई इज इक्वल टू एंगल सी ई ए, सी ई ए। जब ये दोनों एंगल्स इक्वल है तो ए सी इज इक्वल टू सी ई, देयरफॉर ए सी इज इक्वल टू सी ई। अब ए सी, ए सी और सी ई इक्वल है, लेकिन जब इस दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट किए थे तो ए बी और सी ई इक्वल था ये वाला यहां पर, तो हम कह सकते हैं ए बी इज इक्वल टू सी ई, ये यहां पर प्रूव कर चुके थे सी पी सी टी से। अब ए सी इज इक्वल टू सी ई, ए बी इज इक्वल टू सी ई, देयरफॉर ए सी इज इक्वल टू ए बी, और यही हमको प्रूफ करना था कि ये एबीसी ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा।